हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माय सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर आरएमओ फ्लैशबैक सीरीज। एंड इन टुडेस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ ईयर 2009। वन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इनइक्वालिटीज एंड द अदर वन इज फ्रॉम अलजेब्रा। बोथ द क्वेश्चंस आर रिलेटिवली इजी। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी जस्ट गिव यू वन इन्फॉर्मेशन कि अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्री आर एमओ, आई यू के एम, आर एमओ, दैट इज मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड और केवीपीवाई, एनटीएससी या जूनियर साइंस ओलंपियाड, काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/pos-maths2। आवर कंसर्न पर्सन विल कॉल यू एंड हेल्प यू आउट टू एनरोल इन दीज बैचेस। ऑल दीज बैचेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। All you need to do is just fill up this Google form, right? So let's start the session. This is the fifth question, and this is somewhat based on geometrical inequalities. Majorly triangular inequality will be used. Let's study the question. The question says that ki ek convex polygon hai, such that the distance between any two vertices does not exceed one. ठीक है, तो एक कोई हमें convex polygon दिया हुआ है जिसमें किसी भी दो vertices का अगर हम sum देखते हैं, किसी भी दो vertex के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, तो उनका जो डिस्टेंस है वो वन से ज्यादा नहीं है। नाउ वी नीड टू प्रूव टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ टी। ठीक है, पॉलीगन की बाउंड्री पर कोई भी दो पॉइंट्स उठा लिए तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो वन से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, चलो लेट्स अज्यूम वो जो दो पॉइंट्स थे वो इन साइड्स पे थे। लेट्स से वो जो दो पॉइंट्स थे वो दो अलग अलग साइड्स पे थे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर वो दोनों पॉइंट्स वर्टेक्स हैं पॉलीगन के, ठीक है, तब तो कुछ रहा ही नहीं प्रूव करने के लिए, बिकॉज वी नो कि डिस्टेंस ये हमें गिवन ही था, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टेसेस डज नॉट एक्सीड वन। तो अगर वो दोनों पॉइंट वर्टेक्स है पॉलीगन के, तब तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बोल ही रहा है कि उनके बीच का डिस्टेंस वन से ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट एक पॉइंट साइड पर है किसी और एक पॉइंट वर्टेक्स पे, तब भी बड़ी इजीली प्रूव हो जाएगा। तो लेट्स अज्यूम ये हमारे वो दो पॉइंट्स हैं। अब हमें प्रूव करना है कि इनके बीच का डिस्टेंस, ये हम एक केस कंसीडर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक पॉइंट को वर्टेक्स पे होना। जो दूसरा केस है वो हम अभी कंसिडर करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंड पार्ट, मैं इसी पार्ट का दूसरा केस कंसिडर कर रहा हूँ, वेन बोथ द पॉइंट्स आर नॉट वेन नन ऑफ द पॉइंट इज ऑन द वर्टेक्स, राइट। तो अभी हम ये वाला केस कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अब मुझे क्या प्रूव करना था, लेट्स दिस इज ए, दिस इज बी, वी नीड टू प्रूव दैट ए बी इज लेस देन वन, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब मैंने ये वर्टिसेस थे सी और डी, इनको भी ज्वाइन कर दिया, राइट। अब मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ना यार, इस एंगल में से और या फिर इस एंगल में से कोई एक शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री, या तो दोनों 90 होंगे या उनमें से कोई एक एक्यूट होगा तो और एक ऑब्ट्यूज होगा। जैसे इस फिगर में BD के सामने वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो जहां पर भी जोन सा भी एंगल ऑब्ट्यूज होगा उसके सामने वाली साइड या तो वो BD बनेगी या फिर वो CV बनेगी, इन दोनों में से एक ही चीज होगी, एंड दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन AB। ठीक है, तो जैसे अपने इस पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल के लिए BD इज क्लियरली ग्रेटर देन AB, जरूरी नहीं हम नाम इंटरचेंज भी कर सकते थे, तो सिनेरियो में CB विल बी ग्रेटर देन AB। ठीक है, अब BD क्या है, BD is now distance between two vertices of the polygon, जो हमें क्या दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ था कि 1 से ज्यादा नहीं है, तो I can say कि BD मेरा अभी AB से बड़ा है ना, and BD is less than 1, BD ही 1 से छोटा है, तो obviously AB जो है वो 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो इस scenario में, इस case में I have proved that AB is less than 1, ये मेरा first part का एक scenario जब एक पॉइंट मेरा वर्टेक्स पे, एक पॉइंट नहीं है। अब इसी फर्स्ट पार्ट का एक और सिनेरियो कंसीडर करते हैं जब हमारे दोनों पॉइंट्स वर्टेक्स पे नहीं है। तो लेट्स अज्यूम एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, क्लियर। तो अब लेट्स से दिस इज अगेन ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, अगेन आई नीड टू प्रूव दैट ये जो ए बी होगा दैट शुड बी लेस देन वन, वेयर एज ये जो पॉइंट्स मैं मार्क कर रहा हूँ सी डी या फिर ये वाला पॉइंट ई या फिर ये वाला पॉइंट एफ, ये वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन है। ठीक है, अब देखो इसमें भी फिर से सेम फंडा, मैंने CB को ज्वाइन कर दिया, BD को ज्वाइन कर दिया, फिर से कहना इसे कि इन दोनों एंगल्स में से कोई एक एंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा ही होगा, ये तो हम बोल ही सकते हैं, या फिर मतलब दोनों 90 होंगे या कोई ना कोई एक ऑब्ट्यूज होगा, तो इसका मतलब देयर मस्ट बी, मतलब आइदर BD और BC, इन दोनों में से कोई एक चीज डेफिनेटली AB से बड़ी होगी, डेफिनेटली बड़ी होगी, है ना।
तो लेट्स अज्यूम अपने जैसे इस एग्जांपल के लिए, लेट्स अज्यूम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, लेट्स अज्यूम दिस इज बीडी, ठीक है। तो बीडी इज क्लियरली ग्रेटर देन एबी। अब अगर मैं बात करूं, मैंने फिर से क्या किया, मैंने डीई को ज्वाइन कर दिया और मैंने डीएफ को ज्वाइन कर दिया, अगेन इस एंगल में से और इस एंगल में से, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो ऑब्ट्यूज हो गई होगा या दोनों 90 होंगे, तो दैट मींस या तो ईडी या फिर डीएफ, ईडी और डीएफ में से कोई एक, ईडी और डीएफ में से कोई एक विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन बीडी, ठीक है। एंड ईडी और ये डीएफ क्या है, दे आर द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन एंड विच डज नॉट एक्सीड वन। तो देखो अब हम मैंने क्या कहा, ये मेरा बीडी से बड़ा और बीडी मेरा ए बी से बड़ा, तो डेफिनेटली मेरा ए बी क्या होगा, लेस देन वन होगा, ठीक है। यही मुझे प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज यूज हो रही है। आई होप फर्स्ट पार्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में अपन ने तीन केसेस कंसिडर करें। पहले केस में तो अगर वो दो पॉइंट दोनों वर्टिसेस थे तो सीधा ही हमें क्वेश्चन में गिवन ही था कि किसी भी दो वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट ग्रेटर देन वन, वो वन से बड़ा नहीं है, तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। केस टू, जब एक पॉइंट वर्टेक्स है, ठीक है, एक नहीं है, तो वो हमने इस तरीके से प्रूव किया। केस थर्ड, जब दोनों पॉइंट्स वर्टेक्स नहीं है, वो हमने इस तरीके से सिंपली प्रूव कर दिया। ये हमारा प्रूफ था फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब लेट्स प्रूव द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं कि भाई इफ एक्स एंड वाई आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इनसाइड टी, ठीक है, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट जेड ऑन द बाउंड्री ऑफ टी सच दैट एक्स जेड प्लस वाई जेड इज लेस देन और इक्वल टू वन, ठीक है। ये भी देखो इस पार्ट में भी ना हम फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे लेट्स से ये पॉइंट कोई एक्स था, ये पॉइंट कोई वाई है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि दे आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इनसाइड द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के अंदर है। अब मुझे सोच के बताओ, मैंने इस एक्स वाई को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली एक जो लाइन सेगमेंट बन रही है, पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट मेरे पॉलीगॉन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया दोनों साइड, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये मेरे पॉलीगॉन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ये मेरे पॉलीगॉन को कहीं ना कहीं दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। और जिन साइड्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब पहले तो चलो मैं इन पॉइंट्स को मान लेता हूँ ए एंड बी, ठीक है, ऑब्वियसली वो किसी ना किसी साइड पे इंटरसेक्ट करेंगी, या हो सकता है किसी एक वर्टेक्स पे जाए, मतलब ए पॉइंट कैन बी द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन और इट विल डेफिनेटली लाई ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगॉन। सिमिलरली बी पॉइंट भी या तो वर्टेक्स बन सकता है या वो किसी ना किसी पॉलीगॉन के साइड पे डेफिनेटली लाई कर रहा होगा। तो हमने जनरल केस मान लिया कि ये वो साइड्स थे, ठीक है, इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ, चलो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट लेट्स एज्यूम दिस टू बी ई एंड एफ, राइट। अब मुझे ये बताओ, अब हमें क्या प्रूव करना था, एक्स और वाई का, मैंने ए से डिस्टेंस निकाला, वो क्या बनेगा, एक्स ए प्लस वाई ए, ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ लेस देन और इक्वल टू वन, नहीं, ऐसा तो कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा, बट चलो मैं एक्स और वाई दोनों का बी से डिस्टेंस देखता हूँ, तो वो क्या बनेगा, एक्स बी प्लस वाई बी, क्या ये लेस देन और इक्वल टू वन होगा, नहीं, अभी भी हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बट लेट्स कंसिडर वन थिंग, मैंने ना इन दोनों को ऐड कर दिया, आई हैव एडेड दीज टू थिंग्स, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर क्या बन रहा है, देखो एक्स ए प्लस एक्स बी, ये क्या बन जाएगा, ए बी, ठीक है, आफ्टर एडिंग दीज टू थिंग्स, वाई ए प्लस वाई बी दैट विल बी अगेन ए बी, ठीक है, तो क्या ना इसे इन दोनों का एडिशन जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ ए बी, राइट। एंड ये ए बी क्या है, ए बी इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विच आर ऑन द बाउंड्री ऑफ टी, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया था कि ये वन से बड़ा नहीं है, तो आई कैन से ट्वाइस ऑफ ए बी विल बी लेस देन टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू टू, ये मैं बोल सकता हूँ, ये बात समझ में आ रही है। अब सोच के देखो, इन दो क्वांटिटीज का सम, इन दो क्वांटिटीज का सम लेस देन और इक्वल टू टू है, तो डेफिनेटली मतलब दो क्वांटिटीज, लेट्स से दिस इज क्वांटिटी एम, दिस इज क्वांटिटी एन, राइट, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक क्वांटिटी एम और एक क्वांटिटी एन, दोनों ऑब्वियसली पॉजिटिव है, इनका सम लेस देन और इक्वल टू टू है, तो डेफिनेटली वन ऑफ देम, आइदर एम और एन, इन दोनों में से कोई एक विल डेफिनेटली बी लेस देन और इक्वल टू वन, ठीक है, कोई एक वन या वन से छोटी होगी, डेफिनेटली छोटी होगी, और वही मेरा
ये जेड पॉइंट बन जाएगा। अगर वो ए पॉइंट के लिए मतलब एम पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी वो ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ए विल बिकम माई जेड विच इज ऑन द बाउंड्री सच दैट एक्स ए एक्स जेड प्लस वाई जेड दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू वन। अगर वो बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हुआ तो वो एक्स बी प्लस वाई बी मेरा लेस देन और इक्वल टू वन बन जाएगा। ठीक है, तो एज यू कैन सी दोनों पार्ट बहुत ईजी थे, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था। बट यस, सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को यूज कर रहा था और फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, चलो अभी अपन सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन था 2009 का, जो कि एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं, इन अ बुक विद पेज नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 सम पेजेस आर टॉर्न ऑफ। देखो अब यहाँ पर है ना, काफी बार है ना बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली सम पेजेस आर टॉर्न ऑफ, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कॉन्जिक्यूटिव पेजेस को इसमें से फाड़ा गया है, नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, कुछ पेजेस को इसमें से निकाल लिया गया। ठीक है, और अगर आप कोई भी अगर बुक देखोगे तो बुक में क्या होता है, जैसे लेट्स हमने बुक खोली, लेट्स हमने बुक को ओपन किया, तो ये वाला पेज तो खाली होगा, यहाँ पर नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी, फिर 1 के पीछे 2 नंबर होगा, फिर नेक्स्ट पेज पे 3 नंबर होगा और 4 होगा। ठीक है, उसके पीछे 4 होगा। तो अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पेज की बात करूं, ठीक है, तो उस पेज में यहाँ पर एक ऑड नंबर होगा, ठीक है, पेज का नंबर, और फिर उसके पीछे उससे नेक्स्ट नंबर विच विल बी इवन, वो जो कि एक इवन नंबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक पेज किसी भी बुक में से एक पेज अगर मैं निकाल रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं एक ऑड नंबर निकाल रहा हूँ फॉलोड बाय एन इवन नंबर। तो लेट्स से जब मैंने एक पेज फाड़ा तो मैं क्या उसमें से 2k-1, लेट्स से ये मेरा ऑड नंबर है, और उसके बाद मैंने क्या टर्न किया, एक इवन नंबर, दैट विल बी 2k। तो प्रैक्टिकली मैंने कितना सम निकाला, मैं उसमें से 4k-1 का सम निकाल रहा हूँ एक पेज फाड़ने से। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, हमारे पास 1 से 100 पेजेस थे, 1 से 100 तक का सम कितना बनता है, 1 + 2 + 3 till 100, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, दैट विल बी 100 × 100 1/2, सो दैट विल बी सिंपली 50-50, राइट, 5050, एंड 4949 सम ऑफ द रिमेनिंग पेजेस है, तो सम ऑफ टॉर्न पेजेस ये हम निकाल सकते हैं, ये सिंपली कितना बनेगा भाई, दैट विल बी 50-50 माइनस द सम ऑफ रिमेनिंग पेजेस विच इज 4949, सो दैट विल बी सिंपली 101। ठीक है, तो मैंने जितने पेजेस फाड़े हैं, अगेन वंस अगेन दे नीड नॉट टू बी कॉन्जिक्यूटिव पेजेस, उन सबका सम कितना होना चाहिए, 101। ठीक है, तो लेट्स से मैंने जो फर्स्ट पेज फाड़ा उसका सम बन रहा था 4k1-1, ठीक है, जो मैंने सेकेंड पेज फाड़ा वो 4k2-1 बन रहा था, बिकॉज ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता था कि k2 is k1+1, है ना। सिमिलरली नेक्स्ट सम 4k3-1, राइट, प्लस एंड सो ऑन, ये n पेजेस थे एंड इनका सम कितना बनना चाहिए, 101। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये क्लियरली क्या है, 100 + 1, तो 4 का मल्टीपल प्लस 1, मतलब दिस इज राइट हैंड साइड इज क्लियरली ऑफ द फॉर्म 4k+1, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली देखो यहाँ पे -1 -1 की बातें चल रही हैं, तो या तो वो नंबर 4k-3 जो इफेक्टिवली 4k+1 बन जाता है, तो n की वैल्यू या तो 3 होगी, या फिर 3 + 4 = 7 हो सकती है, या फिर 11 हो सकती है, और 15 हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये n की पॉसिबल वैल्यूज है, बिकॉज तभी तो है ना, तभी तो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 मैच हो पाएगा, राइट हैंड साइड पे 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी ऑफ द फॉर्म 4k+1 इफेक्टिवली, राइट, और यू कैन से 4k-3 बिकॉज नेगेटिव रिमाइंडर इक्विवेलेंट -3 बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपली लेट्स कंसीडर व्हेन नंबर ऑफ टॉर्न पेजेस आर 7। ठीक है, तो अगर मैं पहले 7 पेजेस की भी बात करता हूं, तो फर्स्ट पेज का सम क्या बनेगा, 1 + 2, सेकंड पेज का सम क्या बनेगा, 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन, तो 7th पेज का सम कितना बन जाएगा, दैट विल बी सिंपली 13 + 14। तो अगर मैं पहले 7 पेजेस के सम की भी बात करता हूं, तो ये कितना बन रहा है, सम ऑफ दीज फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स, दैट विल बी 14 × 15/2, that clearly comes out to be 105, which is greater than 101. तो इसका मतलब 7 pages turn करना या 11 pages या 15 further, तो scenario खत्म ही हो गया. That means definitely how many pages are turned? We can say definitely 3 pages. 3 pages are turned. So answer to this question should be 3. ठीक है,
मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ कैसे। तो जैसे लेट से अगर मैं 3 पेजेस ही टर्न करता हूँ, तो इसका मतलब 4K1 प्लस 4K2 प्लस 4K3 माइनस 3 हो, उसको हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, दैट इज नथिंग बट 104, राइट। तो दैट मीन्स K1 प्लस K2 प्लस K3 दैट इज सिंपली व्हाट, दैट इज योर 26, है ना। तो K1 K2 K3 कोई भी ऐसे तीन नंबर उठा लो जिनका सम 26 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो तीन पेजेस, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे ये पेजेस बन जाएंगे, बात समझ में आ रही है। एंड ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर 3 पेजेस का सेट होगा, नहीं, देयर कैन बी सो मेनी 3 पेजेस, मतलब K1 K2 K3 को हम कुछ भी मान सकते हैं ना। वी कैन अज्यूम इट 10 11 और लेट से कितना बन गया 5, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां से सम कौन कौन सा बनेगा, 2K-1 यानी कि एक पेज बनेगा 9, 10 वाला, ठीक है। फिर एक पेज बनेगा 19, 20 वाला 10 के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। फिर नेक्स्ट पेज बनेगा 21, 22 वाला, राइट। एंड इफ यू विल कैलकुलेट इन जो तीन पेजेस हमने टर्न किया उन पे जो नंबर्स था उनका सम 101 बन रहा है, राइट। तो ये इस क्वेश्चन में था, जो कि एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मतलब इसमें बेसिकली आपको दो चीजें ध्यान रखनी थी, एक तो कि पेजेस नीड नॉट टू बी कंजर्वेटिव, ठीक है। ऑल्दो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली तो नहीं कहूंगा बट काफी हद तक क्लियर था, बट कुछ बच्चे मिस कर जाते हैं। दूसरी चीज, हमेशा एक ऑड नंबर से स्टार्ट होता है, फिर उसका नेक्स्ट इवन नंबर उसके पीछे वाले पेज पर होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ राइटिंग नंबर्स, पेज नंबर्स ऑन एनी बुक, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन यार, आज हमने 2009 कंप्लीट किया, राइट। एंड अगर आप किसी भी ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फॉर दैट मैटर अगर आप इनमें से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, देन काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/vosmaths2। हमारे कंसर्न पर्सन आपको कॉल करेंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट टू गेट एनरोल इन दीज बैचेस, राइट। एंड ऑल दीज बैचेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फिल अप दिस गूगल फॉर्म, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। So till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye-bye.